कब से हम लोग वेट कर रहे थे कि आखिरकार बिग बॉस में जिस तरीके से दोगलापन चल रहा है या जिस तरीके से बैक टू बैक एक पर्टिकुलर इंसान को टारगेट बनाया जा रहा है, एक पर्टिकुलर इंसान को जिस तरीके से बार 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 कुछ ना कुछ करके, चाहे वो परिवार को लेकर हो, चाहे उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर हो, चाहे उसके सेक्सुअल प्रेफरेंस को लेकर हो, इन सारे मुद्दों पर बार बार जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा था, फाइनली वो कहते हैं ना कि जब अपनों पे आती है तो परिवार चुप नहीं बैठता, और ऐसा ही कुछ किया है ट्रिगर्ड इंसान ने। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा दूसरा नया चैनल आ चुका है राहुल भोज कॉमेडी, मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दिया है, आप जरूर जाके देखिए, यू विल फाइंड अनदर कॉन्टेंट विच इज मोर इंटरेस्टिंग ऑल्सो। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रिगर्ड इंसान ने, जिन्होंने एक वीडियो से ही, जो कि 7-8 मिनट की है, 8 मिनट की समथिंग है, उस वीडियो से ही पूरे बिग बॉस की पोल पट्टी खोल के रख दिया और कह सकते हैं कि पूरे बिग बॉस को बूम ब्लास्ट कर दिया है। टेक्निकली देखा जाए दोस्तों तो ये ऐसी रोस्ट वीडियो बना डाली है जिसमें कि फुकरा की महानता से ज्यादा घर वालों की जिस तरीके से दोगली नीति है उसको एक्सपोज कर डाला है। 3 बड़े मेजर शिकार उन्होंने ढूंढे हैं, जिसमें से एक है बेबिका जिनको वो टुनटुन मौसी बोल रहे हैं, दूसरे हैं फलकनाज जिनको कह रहे हैं कि भाई तू अपने परिवार को संभाल, अपने भाई को संभाल, फिर उसके बाद बात कर। तीसरे हैं नन अदर देन पूजा भट्ट, जिनके जिनके ऊपर अगेन उनके पिताजी के साथ उनकी जो किस थी और साथ ही साथ तमाम बातें हैं उसको लेकर ट्रिगर्ड इंसान ने फाइनली कमेंट कर डाला है। आप लोगों को बता दूं दोस्तों तो ट्रिगर्ड इंसान ने रिसेंटली एक वीडियो बनाया, बस अभी ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूं इससे कुछ ही घंटे पहले शूट किया, एंड यू गाइस वोंट बिलीव 2 घंटे में उसके 11 मिलियन प्लस व्यूज हो गए। इट्स सो इनसेन, 11 मिलियन जानते भी हैं, बाप रे। तो उस वीडियो में उन्होंने एक एक करके सबकी पोल पट्टी खोल डाली है। पहले पूजा भट्ट जी से शुरुआत करी है, जहां पे उनको कहती हैं कि ये अपनी स्मोकिंग की हैबिट को ही निकोटिन च्युइंगम चबा चबा के दूर कर रही हैं, और इसी वजह से और प्लस इनकी दोगुली नीति को कोई कह कुछ नहीं रहा है। अभिषेक उनके साथ नहीं, उनकी आंखों में इसलिए खटकता है क्योंकि अभिषेक उनकी चाटता नहीं है, ये बात कहते हैं ट्रिगर्ड। फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर वो अगला शिकार लगाते हैं पलक का। पलक यहां पर, पलक के लिए वो कहते हैं कि पलक तू अपने भाई को संभाल ले, या फिर तेरी बहन से तूने 1 साल से जो बात नहीं करी उससे संभाल ले, उसके बाद जाके मेरे भाई की परवरिश और मेरे भाई के गे होने पे या ये सारी चीजों को लेकर बात करे। तीसरा नंबर अविनाश का आता है, जो कि छोटा सा ही है क्योंकि सलमान साहब ने ऑलरेडी अविनाश को सच्चाई का आईना दिखा दिया है। चौथा नंबर आता है बेबिका का, जिसके लिए वो बहुत ही फनी कैप्शन डालते हैं, जहां पे वो बेबिका के जो जो फुटेजेस हैं उसमें डिस्कवरी चैनल का लोगो डाल रखा है उन्होंने, और ऐसे फनी कहते हैं कि वो ऐसा कंटेंट निकाल रहे हैं कि बेबिका को देखना विच मींस कि लिटरली नेशनल ज्योग्राफी देखना या फिर साथ ही साथ डिस्कवरी देखने जैसा है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, और एक प्रॉपर जवाब है फुकरा इंसान के लिए, फुकरा इंसान की तरफ अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए ट्रिगर्ड इंसान का। एंड ये वही सारे मुद्दे, वही सारी बातें हैं जो कि ऑलरेडी मैंने अपने रिव्यूज में उठाई है। सो यस गाइज, आपको क्या है कहना जरूर बताएं, और बने रहे चैनल के साथ, देखते रहे आपका फेवरेट चैनल, वन ऑफ द फेवरेट टेली खजाना। और हाँ, राहुल भोज कॉमेडी देखोगे तो वो और भी ज्यादा फेवरेट हो जाएगा। बाय बाय।